प्रणाम। जय जय राम कृष्ण हरि। महाराष्ट्र में वारकरी ऐसे संत हुए जिन्होंने पंढरीनाथ के प्रेम संपत्ति को अपने साथ बांध लिया। ऐसे ऐसे संत हुए जिन संतों ने पंढरीनाथ के प्रेम की संपत्ति को लूट लिया। ऐसे ही एक संत गोरा कुंभार जी की जीवनी आपने कहीं ना कहीं संक्षिप्त में सुनी ही होगी। विठलनाथ के नामस्मरण में इतने तल्लीन गोरा कुंभार जी अपने ही पैरों के नीचे अपने पुत्र को कब रौंदा जा रहा था ये तक इन्हें पता नहीं। तभी इनकी पत्नी ने कहा कि याद रखिए विठल की सौगंध है, अगर मुझे स्पर्श करोगे। और इसी के कारण आगे चल के इनका संसार जिस दिशा की ओर गया, पत्नी पहली पत्नी के आग्रह के कारण दूसरा विवाह करना पड़ा और हमारे पति एनकेन रूप से संसार में आए, यानी पुत्र प्राप्ति हो हमें भी। इस हेतु से हमारे और पति देखते भी नहीं, इस भय और इस चिंता से एक बार सोते सोते इन्होंने दोनों हाथों को गोरा कुंभार जी के पकड़ लिया, एक ओर से एक और दूसरी ओर से दूसरी पत्नी ने। भक्तों का भाव क्या हो सकता था, इन्हें ऐसे लगा कि मानो प्रत्यक्ष एक ओर से पंढरीनाथ और एक ओर से माँ रुक्मिणी ने मुझे थाम लिया हो। और जैसे ही नींद खुली पता चला कि ये पत्नियाँ हैं हमारी ही दोनों, और जिनकी आशा अपेक्षा आकांक्षा के कारण मेरी जो सौगंध है वो छूटने पर आई। अब करे तो क्या करे, आपके मन में एक ही विचार आया कि अब इन हाथों का न रहना ही उत्तम है। आपने खुद अपने हाथ से हाथों को काट लिया। हाथों को काट दिया गया क्योंकि इन हाथ ने संसार का स्पर्श किया था। इच्छा हुई, एकादशी का समय आया, पंढरीनाथ के पंढरपुर में जाकर दर्शन किए और बाहर नामदेव जी का कीर्तन हो रहा था। ऐसे भाव विभोर हो गए गोरा कुंभार जी कि कीर्तन में आके बैठे, कीर्तन में गाने लगे, नाचने लगे, सब ताली बजा रहे थे। इनकी भी इच्छा हुई कि हे नाथ, हाथ होते तो ताली बजाता। कहते हैं ना, ताली वाजवावी गुढ़ी उभारावी। और ऐसे इच्छा से भजन करते 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 गोरा कुंभार जी के हाथ भी आए। भाव जगत की उस ऊंचाई की जय जय हो जिस ऊंचाई पर कीर्तन करने हेतु हाथ भी प्राप्त हुए। जय हो, प्रणाम। Mm-hmm.